आप आज कैडर के अंदर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ, इस कैडर कैंप से क्या हाल निकलेगा? सर मैं जब इस कैडर कैंप में आया तो इतना युवा मैंने यहाँ पर देखा, और जैसे कि बहन जी ने सभी को आगाह किया कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें हमें सतर्क रहना है, क्योंकि ये मौजूदा जो सरकार है वो बिल्कुल भी दलित विरोधी है और किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिसको युवाओं को, पीड़ितों को किसी भी तरह का कोई अधिकार दे सके। लोकतंत्र को इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, और अब हम ये इस मंच से आगाह कर रहे हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उन चुनावों में युवाओं को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, तभी कुछ हो सकता है। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक अधिकार लेना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने जब अंतिम समय में ये कहा था कि पार्लियामेंट ही हमारा असली मंदिर है, अगर हम राजनीतिक अधिकार नहीं ले पाएंगे तो हम कभी भी किसी को कोई अधिकार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने तो पूरे फंडामेंटल राइट्स जो है ख़त्म कर दिए हैं, कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो हमें पूरी तरह से मिल पा रहा हो। लगातार आप अगर मैं उंगलियों पर गिना सकता हूँ कि कहाँ भीमा कोरेगांव में हुआ हत्याकांड, उसके बाद जो पथराव हुआ, उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसा संघर्ष बना हुआ है जो मुस्लिम समाज, दलित समाज और अन्य जो अल्पसंख्यक हैं वो इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। जगह जगह पर आप विरोध देख सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल जो रियल मीडिया बन के आया है, तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी घटनाओं का चलन रहता है जो कि सरकार को देखना चाहिए। अभी हाल ही में 26 जनवरी को जो घटना हुई है, और उस घटना को कासगंज में जो आप देखेंगे वीडियो, उसमें किस तरीके से षड्यंत्रकारी तरीके से उसको मोड़ा गया है, तो ये वोट पोलराइजेशन का इनका मेथड है। 2019 की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं ये, और कई बार तो जो और बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है जब तक सांप्रदायिकता बनी रहेगी तब तक हम जीतते रहेंगे। तो मैं यहाँ से ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये इनके जंजाल को हमें समझना पड़ेगा, इनकी जो रणनीति है उसको समझना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही अधिकारों का हनन करते रहेंगे। युवा हैं आप, युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें राजनीतिक अधिकारों को जानना चाहिए, राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि ये जो गंदे लोग बैठे हैं इनको हम हटा सकें। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये तो अपनी सीट पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। जनता भी अच्छे लोगों को ही चाहती है, जनता चाहती है पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएँ, बट जनता क्या करे, जब कोई आता ही नहीं है तो मजबूरन होना ऐसे लोगों को वोट देना पड़ता है जो वाकई में कुछ नहीं जानते। मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि मुझे जो है बेकाऊ समाज नहीं चाहिए, मुझे टिकाऊ समाज चाहिए, तो आप युवा हैं तो टिकाऊ समाज कैसे बनाएंगे? वोट के समय पे बिक जाते हैं। सर ऐसा है, जब तक चोट नहीं पहुंचती है हमारे मन पर तब तक हमें अकल नहीं आती है। अब आपको चोट पहुंच चुकी है। मैं तो यही कहूंगा कि जो मौजूदा सरकार है उसने इस तरीके से लोगों के मन पर चोट पहुंचाई है कि वो अब आगे से कभी भी भूलकर इस सरकार को लाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज अब जागृत है, पहले से बहुत ज़्यादा शिक्षित है और अब वो संगठित भी है। बाबा साहब का जो अंतिम संदेश है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो फिर संघर्ष करो, तो शिक्षा बढ़ रही है आगे, संगठित भी हो रहे हैं और संघर्ष करने की देरी है। अगर हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक और अन्य जो समाज है, उन सभी को एक प्रेरणा मिलेगी और आगे उनके राजनीतिक अधिकार है वो सुनिश्चित होंगे। मौजूदा सरकार EVM को लेकर बार बार गड़बड़ी करती रहती है, इसको कैसे आप लड़ेंगे? देखिए EVM एक ऐसा मुद्दा है चुनाव आयोग के हाथ में, और चुनाव आयोग को अगर हम देखें तो पूरी तरीके से सरकार के केंद्र, सरकार के केंद्र में लगता है कि अपने समाज के लोगों को रोड पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाना चाहिए। मैं तो ये अपील करूंगा कि जब भी मौका मिले घर से निकलो, क्योंकि मौका कब मिलेगा? जब भी आपको लगे, जब आपको लगे 2019 में फिर BJP आएगी? नहीं, उसको आने ही नहीं देंगे हम, उससे पहले ही आंदोलन कर देंगे जी।